बच्चों, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन में एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर मैंने ऐसी ट्रांजिशंस ली हैं जिसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है। पहली ट्रांजिशन आसान वाली है जो सभी क्वेश्चंस में होगी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000, 60,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया। इधर कैश में इंक्रीज होगा 60,000 और इधर कैपिटल में इंक्रीज करेंगे 60,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है रेंट रिसीव्ड ₹2,000, 2,000 का हमें रेंट रिसीव हुआ है, रेंट मीन्स किराया मिला है, तो इधर 2,000 कैश में इंक्रीज कर देंगे, ऐड कर देंगे और इधर 2,000 कैपिटल में ऐड कर देंगे। जब भी हमें रिवेन्यू मिलेगा या पैसा मिलेगा तो कैश और कैपिटल में ऐड करना है। इसके बाद है थर्ड ट्रांजेक्शन सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹6,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो सैलरी हमें अभी देनी बाकी है अपने स्टाफ को, अभी दी नहीं है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से एक लाइबिलिटी इंक्रीज कर देंगे, ऐड कर देंगे और इधर कैपिटल में से डिडक्ट करके दिखाएंगे, माइनस करके, माइनस वाला या नेगेटिव आइटम ब्रैकेट में रखना है। फोर्थ ट्रांजेक्शन है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1,000। प्रीपेड का मतलब एडवांस में पे किया हमने, पेड मीन्स पेमेंट की है एडवांस में 1,000। प्रीपेड अगर हम किसी चीज़ की करते हैं पहले से पहले एडवांस में पेमेंट, तो एसेट होती है, उसको अलग से लिखना पड़ता है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 की एसेट इंक्रीज हो गई और क्योंकि हमने पैसा दिया है, पेड किया है, इसलिए 1,000 रुपया कैश में से कम हो जाएगा, इस साइड कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद नंबर 5 ट्रांजेक्शन है अक्रूड इंटरेस्ट ₹500। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट जो अभी हमें मिलना बाकी है, कहीं से इनकम हमारी आनी बाकी है, तो ये ₹500 अक्रूड इंटरेस्ट नाम की एक एसेट हम ऊपर लिखेंगे और यहाँ 500 अक्रूड इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे और अभी क्योंकि बाद में पैसा मिलेगा तो यहाँ कैपिटल में ऐड करेंगे, अभी मिला नहीं है हमें, आगे कभी मिलेगा। नंबर 6 है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1,000। जब कोई इनकम हमें रिसीव होती है एडवांस में तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। एक तो हम कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से एक लायबिलिटी 1,000 से ऐड कर देंगे और क्योंकि वो मिल चुका है हमें पैसा, इसलिए 1,000 रुपया कैश में ऐड कर देंगे। इसके बाद है अमाउंट विड्रॉन ₹5,000। अमाउंट विड्रॉन का मतलब यहाँ पर कोई पर्पस नहीं लिखा किस लिए निकाला है, तो हम ये मान लेंगे ये घर खर्च के लिए निकाला है, ड्रॉइंग्स है, इसीलिए ये 5,000 कैश में से माइनस करेंगे और 5,000 कैपिटल में से माइनस करेंगे। जब भी पैसा खर्च करने के लिए निकाला जाता है बिजनेस में से, कैश और कैपिटल में से माइनस करना है, माइनस वाले आइटम ब्रैकेट में रखते हैं। इसके बाद हम इधर एसेट साइड में कैश का हमने टोटल किया, टोटल 57,000 कैश आ रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस का टोटल 1,000 रुपया, अक्रूड इंटरेस्ट का टोटल 5,000, ये टोटल एसेट आ रही है 58,500, 58,500। इधर हमने कैपिटल साइड का टोटल किया, ये आ रहा है 51,500 रुपया और सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000 की है और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 की ये लाइबिलिटीज हैं। इन सब का भी हमने टोटल किया, कैपिटल और इन दोनों लाइबिलिटी का, तो ये भी 58,500 आ रहा है। इसका मतलब हमारी सारी की सारी अकाउंटिंग इक्वेशन परफेक्ट है क्योंकि दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है। बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना और अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपकी तो आप अपनी प्रॉब्लम पूछना। थैंक यू।